मैम रेसलर्स बैठे उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो 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 तुम्हें सवालों की पड़ी है, उनकी ट्रेन छूटी जा रही है, हो सकता है अगले ओलंपिक में पदक लाने की शायद प्रैक्टिस कर रही हूँ। कुछ लोग मजाक में यह भी कह रहे हैं कि जनता का माल इतना ठूस लिया है कि अब भाग भी नहीं पा रही हैं। वैसे दोस्तों सवालों से भागना भी एक आर्ट है, एक कला है जो बीजेपी के हर नेता में कूट कूट के भरी है। तो दोस्तों ये है भारत दौड़ो यात्रा। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि अभी तक किसी ने भागने के फायदे तक भी नहीं गिनवाए। वैसे दोस्तों ये भाग थोड़ी रही हैं, ये वजन कम कर रही हैं। और दोस्तों कुछ लोग मजाक में यह भी कह रहे हैं ऐसे ही भागते देश के बाहर भाग जाओ। अब समझ में आया साहब ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया, क्योंकि विकास हुआ है हद से ज़्यादा और झोला उठा नहीं पाते जुमलों के राजा। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। साथियों बीजेपी सरकार ने बीते 9 वर्षों में जो देश का इतना विकास किया है वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की लूट के रास्तों को ही बंद कर रही है। और दोस्तों ये जो विकास की धारा बह रही है उसका एक भी बूंद जनता की तरफ नहीं आ रही है। और दोस्तों धारा तो आंसुओं की बह रही है जंतर मंतर पर पहलवानों में, वो तो भला हो राकेश टिकैत का, नहीं तो मेडल भी बह जाता गंगा की लहरों में। और दोस्तों एक धारा मणिपुर में भी बह रही है विकास की, हवा उज्जैन में भी बह रही है जो मूर्ति गिरी महाकाल की। वैसे दोस्तों कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि धर्म में धीरेन्द्र, क्रिकेट में महेंद्र और दुनिया में नरेंद्र ने धमाल मचाया हुआ है। और दोस्तों विकास तो इतना हुआ है कि एक दो विकास मिलेंगे हर गली और मोहल्ले में, जाके देखो किसान भगाते मिलेंगे सांड खेतों में।